ये ओवैसी तो हमेशा से हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, हमारे देश के खिलाफ बोलता है। ओवैसी खाता हिंदुस्तान का है और गुण उनका गाता है जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ में जो बाहरी शक्तियाँ लगी हुई हैं। ऐसे व्यक्ति की सांसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ये लोग हमारे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा है कि जय फिलिस्तीनी, उसने कभी नहीं कहा कि जय हिंद जय भारत, उसने कभी नहीं कहा भारत माता की जय। मेरी केंद्र सरकार से मांग है इस व्यक्ति की संसद सदस्यता रद्द की जाए। और मैं सभी सनातन हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी हिंदू शेरों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा सनातन हिंदू शेर इसकी जिब्या को काटेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख की इनाम दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए जो व्यक्ति हमेशा से देश के खिलाफ बोलता है, हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है। ओवैसी से कभी भी कहा होगा कि भारत माता की जय बोल दे, तो आज तक उसने नहीं बोली। ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, ये लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.